Welcome to my channel Beauty in 2 Minutes. Subscribe to my channel and press the bell icon to get notified about new videos. आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ बेस्ट स्किन केयर टिप्स। ये टिप्स आपकी हेल्प करेंगी वो फ्लॉलेस स्किन पाने में जिसका कि एक विजन आपके माइंड में है। तो आप जानने के लिए तैयार हैं? आइए फिर। हम यूज करेंगे एप्पल साइडर विनेगर। इसके लिए आपको चाहिए 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर, 2 छोटी चम्मच रोज वाटर यानी गुलाब जल और 1 कॉटन बॉल। अब हमें आगे क्या करना है? अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे यानी कि एप्पल साइडर विनेगर को और रोज वाटर को, और फिर कॉटन बॉल की मदद से आपके चेहरे पर जहाँ जहाँ पर भी डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं वहाँ पर आप कॉटन बॉल से उसको डैप करिए और फिर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट बाद पानी से अपने फेस को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। और हाँ, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो फिर आप उसमें एलोवेरा जेल मिला लीजिए जिससे कि विनेगर का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपकी स्किन पर ना आए। ये टिप बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत जल्द आप इसका इफ़ेक्ट अपनी स्किन पर खुद देख पाएंगे। सेकेंड टिप में हम यूज करने वाले हैं एलोवेरा को। अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है तो आप उसकी एक पत्ती को काट लीजिए, और अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट नहीं है तो फिर आप मार्केट से एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। को काट लीजिए और इसमें से जो जेल निकलता है उसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करिए और फिर 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करिए। ये टिप आपको हर दिन यूज करनी है। एलोवेरा स्किन से डार्क स्पॉट्स और स्कार्स को हटाता है, स्किन टोन को इवन करता है, और क्योंकि ये एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है इसलिए ये स्किन को नेचुरल ग्लो भी देता है। इससे रिंकल्स दूर होती हैं, और अगर स्किन किसी भी वजह से डैमेज हुई है, चाहे वो सन की वजह से हो या फिर किसी केमिकल के इफ़ेक्ट की वजह से, तो उसको भी ये हील करता है। थर्ड टिप कोकोनट ऑयल से रिलेटेड है। अपने फेस को पानी से साफ करिए और फिर सूखने दीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो कोकोनट ऑयल से अपने फेस पर मसाज करिए और फिर इसे पूरी रात रहने दीजिए। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो कोकोनट ऑयल को अपने रेगुलर मॉइस्चराइज़र में 1 ड्रॉप के फॉर्म में यूज़ करिए और अप्लाई करिए और फिर कुछ देर बाद में धो लीजिए। इस टिप को आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि स्किन को फ्लॉलेस और हेल्दी रखने में मदद करते हैं।
टिप में हम यूज करने वाले हैं सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी के पाउडर को। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच शहद और 1 छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर। दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बनाइए और फिर इसको अपने फेस पर 15 से 20 मिनट के लिए अप्लाई करिए। साफ पानी से अपने फेस को धो लीजिए और इस टिप को आप वीक में 1 बार या फिर 2 बार यूज कर सकते हैं। ये टिप आपकी स्किन को सॉफ्ट, सपल और फ्लॉलेस रखेगी और एक नेचुरल शाइनी ग्लो देगी। और लास्ट टिप में हम यूज करने वाले हैं आलू को। एक आलू लीजिए और उसको कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लीजिए। अब इस जूस को अपने फेस पर अप्लाई करिए और 10 से 12 मिनट तक लगा रहने दीजिए। पानी से अपने फेस को साफ कर लीजिए और इस टिप को आप कुछ हफ्तों तक फॉलो करिए। देखिए कितनी जल्दी आपके पिगमेंटेशन, काले धब्बे और डिकलरेशन चले जाते हैं। तो माय ब्यूटीज, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये 2 मिनट ब्यूटी टिप बहुत पसंद आई होंगी। मैं जल्दी ही आती हूँ कुछ और मज़ेदार अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और हाँ, खुद से लव करना मत भूलिए और ना ही अपने चारों तरफ पॉजिटिवनेस और लव को फैलाना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लव्स। कम हेयर अगेन।